नमस्कार, मैं शिफाली जैन। आज हम फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। दिल्ली का निजामुद्दीन कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। मरकज से जुड़े 304 संक्रमित मिले हैं। तबलीगी जमात ने कोरोना को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। अब देश भर का सरकारी अमला इन लोगों को ढूंढने में जुटा है। जो लोग मिले हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, वही सरकार जुटी है लोगों को मदद पहुंचाने में। पुलिस द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपे गए सभी जमातियों का हेल्थ चेकअप हुआ। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया, इनमें से सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इन्हें प्रॉपर डाइट दी जा रही है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन्हें यहां रखा गया है। इनमें से 30 लोग अलग अलग डेट पर निजामुद्दीन से आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई जमात में शामिल लोगों की बस्ती में पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही युवकों के लौटने पर परिजनों को जानकारी देने की हिदायत भी दी गई है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात हुई थी। प्रदेश के 18 जिलों में जमातियों ने इनमें से हिस्सा लिया था। जमात में शामिल 6 की तेलंगाना में मौत और मेरठ में एक ही परिवार के कई लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इसके बाद डीजीपी कार्यालय से आगरा सहित संबंधित 18 जिलों को अलर्ट जारी किया गया था। एलआईयू को भी सक्रिय किया गया था। एसएसपी बबलू कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च को आगरा से जमात में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। पुलिस ने ऐसे 30 लोगों को स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया, जबकि अलग अलग जमातों से 100 से अधिक लोगों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने ऐसे लोगों के मूवमेंट को सर्विलांस के जरिए खंगालना शुरू कर दिया है, जो सभी जमात से नहीं लौटे हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं वे दिल्ली में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। ऐसे लोगों को परिजनों से संपर्क के बाद उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया है। इससे यह पता चल जाएगा कि उन्होंने 30 मार्च के बाद कहां कहां मूवमेंट किया। सामने आने वाले ऐसे सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। हालांकि मंगलवार तक सभी की लोकेशन निजामुद्दीन में ही मिली थी। पुलिस ने बस्ती में जाकर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि जमात में जाने वाले सभी लोग वापस आने के बाद उनकी जानकारी पुलिस को दें। निगरानी के बाद बस्ती में पुलिस तैनात कर दी गई है। एसएसपी बबलू कुमार का कहना है, दिल्ली जमात में गए युवकों के बारे में जानकारी पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब उनके आने पर नजर रखी जाएगी। कुरवाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। महामारी से निपटने के लिए सरकार ने आगरा को 18 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। ये धनराशि कोरोना से लड़ने के लिए खर्च की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने आगरा को 18.50 करोड़ रुपए विभिन्न मदों से दिए हैं। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने विभिन्न मदों से प्रदेश सरकार की ओर से जनपदों को दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा दिया है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न मदों से 18.50 करोड़ रुपए आगरा के लिए जारी किए हैं। वेंटिलेटर, मास्क, आवश्यक उपकरण, क्वारंटीन वार्ड आदि के अलावा राहत पैकेज के लिए धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। दैनिक मजदूर, किसान, महिलाओं, जनधन खातों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। 7.50 अरब रुपए प्रदेश सरकार ने इस मदों में जनपद पर खर्च करेगा। संक्रमण का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से बचाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाने जा रहा है।
कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ रहा है। लोग हैंड सैनिटाइज तो कर लेते हैं, लेकिन घरों को किस तरह सैनिटाइज करें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कम्युनिटी सैनिटाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा है। इसके तहत IMA मेंबर्स स्लब एरिया में लोगों को मॉपिंग करने का तरीका बताएंगे, जिससे लोगों को आसपास की चीजों को सैनिटाइज कर सके। यह बुधवार से शुरू होना था, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की सप्लाई न होने से अब कल से शुरू किया जाएगा। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि मोहन पचौरी ने बताया कि कोरोना वायरस से चल रही जंग में शासन प्रशासन तो लगा हुआ है, हमें भी कम्युनिटी सैनिटाइजेशन के माध्यम से कोरोना वायरस को हराना है। उन्होंने बताया कि एक माचिस की डिब्बी के बराबर ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर उससे पोंछा लगाना और स्प्रे करना है, इससे वातावरण में मौजूद वायरस मर जाएगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो कोरोना वायरस को हम जल्दी अपने आसपास से खत्म कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। विशेष पेशकश में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए सी न्यूज़। नमस्कार।